हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के फैमिली लॉ 1 हिंदू लॉ क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इसका पेपर कोड K-2003 है। ये न्यू कोर्स में है। इसमें दो होते हैं, एक ओल्ड एक न्यू। ये न्यू कोर्स का है। टोटल पेजेस इसके अंदर 4 हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं इसमें। इसमें 3 सेक्शन होंगे। सभी सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 4 मार्क्स मिलेंगे। अपने आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय डी बटर प्रॉपर्टी? देवोत्तर संपत्ति से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 2, रूल ऑफ डैम डप्ट दम दुपत का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, पॉयस ऑब्लिगेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, पवित्र आभार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलेट का सिद्धांत क्या है, ये लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, एग्नेट एंड कॉग्नेट सगोत्र और भिन्न गोत्रज के बारे में लिखना है आपको। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू मैरिजेज इज ए सैक्रमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन विद द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिजेज। हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है ना कि संविदा। एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का वर्णन करते हुए उपरोक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू टू से डेट हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लोकी बट ए लॉ ऑफ स्टेटस डिस्कस, क्या ये कहना सच है कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं वरन व्यक्तिगत विधि है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू अडॉप्शन, हु कैन टेक ए चाइल्ड इन अडॉप्शन, एक वैध हिंदू दत्तक के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, एक बच्चे को दत्तक में कौन ले सकता है। सेक्शन सी खंड सा, सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखने पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अपना आंसर आपको डिटेल में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एंड ड्वेल द रोल ऑफ कस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ। इज इट ट्रू टू से दैट द क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज विल ओवरवेट द रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ डिस्कस। हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए एवं हिंदू विधि के विकास में रूढ़ी की भूमिका पर ठहराव को बताइए। क्या यह कहना सही है कि उपयोग का स्पष्ट प्रमाण विधि के लिखित पाठ को अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पार्टीशन अंडर मिताक्षरा, डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ पार्टीशन, हाउ कैन इट बी रीओपन। मिताक्षरा के अंतर्गत विभाजन क्या है, विभाजन के भिन्न भिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए, विभाजन पर पुनर्विचार किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु आर द नेचुरल गार्जियंस ऑफ ए माइनर इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी, हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड, व्हाट आर द पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, डिस्कस। प्राथमिकता के क्रमानुसार एक अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक कौन है, एक दत्तक ग्राही संतान का प्राकृतिक संरक्षक कौन है, एक प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गिफ्ट एंड अ विल, कंपेयर द रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल इन दिस बिहाफ। दान और वसीयत को परिभाषित और विभेद कीजिए। एक हिंदू पुरुष और स्त्री का इस संदर्भ में स्थिति की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13,
नेम द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अवेलेबल इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ देम विद द रिलेवेंट केसेस एंड प्रोविजंस। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित तलाक के कौन कौन से आधार हैं, लेखांकित कीजिए, किन्हीं तीन आधारों को अधिनियम के प्रावधानों तथा निर्धारित वादों की मदद से स्पष्ट कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है।